नहीं बोलूंगी और मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी। अगर कितनी है हवा नहीं कितनी बधाइयां। थैंक यू लक्की वीर, थैंक यू सो मच। मेरे को ना मैसेजेस नहीं दिख रहे, मेरे को सिर्फ ज्वाइन ज्वाइन दिख रहा है, पता आपको? क्यों? तो अरे नहीं, बहुत सारे थे कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी। हाँ मेरे पास सिर्फ ज्वाइन ज्वाइन का। आप क्यों कैप भी लगाए हो? कैप के बिना मस्त लगते हो। कैप मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मुझे रेडी होने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने लगा ली। ठीक है, हो गया। इंस्टाग्राम भी टाइम लिमिट पूरी हो गई इसकी। मम्मा पापा आज चले गए, मैं कल या परसों आ जाऊंगा। खानजादी से बात भी मैंने कहा नहीं हुई अभी तक। अजय अजय भाजी ने ज्वाइन कर लिया। अजय हुड्डा भाजी सत श्री अकाल, राम राम। मैं ऐसा ही नहीं हूँ दीदी, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सबको बोलती रही हूँ तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अब ये तो मेरी क्लास लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, अगर मैं गलत हो जाऊँ तो वहाँ पक्षता सबको। ये मतलब मैं ऐसा, अगर कोई गलत हो तो मैं बोल तो पड़ता हूँ, खुद को ही बोलता कभी कुछ। लेकिन जैसा भी है ये बहुत अच्छा है। अब कुछ कमियाँ है उनको पूरा कर लूंगा, उनको ठीक कर लूंगा। मम्मा बोल रहे थे को दैट वी लव यू। थैंक यू आंटी जी। मैं मामा नु मुझे लगा नहीं था तू इतनी सिचुएशन से कोप अप करेगा, जैसे तूने फाइट किया है। अरे मुझे भी नहीं पता था मैं मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था मैं टूट जाऊंगा, बट मैं टूटा नहीं। क्योंकि मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म इम्पोर्टेंट था ना, कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें पता है कितनी मेहनत की है, तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते। तो इसलिए लास्ट कॉल भी याद है तो बोल रहा था भी मुझे एक गेम नहीं हो रहा, ये सब मेरे साथ ही हो रहा है, इट्स अ ड्रीम। और तू मतलब बाहर निकल जो मैं फील कर पा रहा हूं, जो देख पा रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा है। जब तू प्रोमोज में रोता था ना, तेरा कोई प्रोमो आता था जिसमें तू परेशान मैं इतना रो रही हूँ ना, मुझे एंजाइटी अटैक आते थे, मैं बात ही नहीं करती थी किसी से कि भाई तू इतना परेशान हो रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि तू ऐसे परेशान हो रहा था, कोई भी ना सकते जी, ना मैं, ना अंकित भाई, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिचुएशन में। और इतना वो हो रहा था ना कि यार क्या क्या करे कि तू एकदम सही हो जाए। और माता रानी डेट द बेस्ट फॉर अस। हाँ बट जब वो ईशा वाला सीन हुआ था, वो समर्थ वाला, तो मुनावर ने कहीं ना कहीं मेरे को हैंडल कर लिया था बहुत। एक्चुअली मुनावर ने तो हैंडल किया था, वो मुझे सबसे चिल इंसान लगता है। और जो तूने पंजाबी में गालियां निकाली थी ना, जो तूने पंजाबी में बोला था चलो दी ठीक है, मैं भी चल ठीक है, ओके बाय। ठीक है दी, चलो गाइस थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। और मेरा गाना रिलीज हुआ है एवोकाडो, प्लीज जाके उसको देखो, बहुत सारा प्यार दिखाओ। यूट्यूब पे एवोकाडो अभिषेक कुमार आप सर्च करोगे तो आ जाएगा एवोकाडो। मैं ये पहले शूट करके गया था और अब रिलीज हुआ है, और इसको बहुत सारा प्यार दिखाओ, उसमें बहुत हैंडसम लग रहा है, प्लीज जाके देखो। और वीडियो बहुत अच्छी है, गाना बहुत प्यारा है, प्लीज जाके देखो और बहुत सारा प्यार दिखाओ। मैं आपकी कमेंट्स जाके चेक करूंगा अभी, और बहुत अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो प्लीज सब प्रोजेक्ट्स को बहुत प्यार दिखाना। और स्नो रैपिड्स पे है, प्लीज जाके देख के और बहुत प्यार दिखाओ। थैंक यू, बाय बाय गाइस, जय श्री राम।